Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. So today we will discuss chapter 10. Okay? आज हम लोग chapter 10 देखेंगे. Topic है basic computer operation. आज हम लोग एक chapter कौन सा है? Chapter 10. जो chapter 10 का topic है basic computer operation. Okay student? और इस computer बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में ऐसे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, आज हम लोग देखेंगे. ओके, कंप्यूटर में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो जो टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में, पहला जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट विंडोज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी हम लोग जब कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तभी हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं. तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी होता है. और दूसरा टॉपिक है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे मोबाइल में भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके कारण से हम अपने मोबाइल पे मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, ठीक है, उसके बाद विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से हमारे मोबाइल में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं इजीली वे में और कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम, चाहे वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो या हमारा मोबाइल हो, हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने टास्क को भी और अपने वर्क को भी नहीं. इसीलिए सबसे जरूरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम और हमारे मोबाइल में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना. ठीक है, चलिए आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. ओके, तो पहला जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट विंडोज. विंडोज होता क्या है? सभी को पता है विंडोज एक सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये एक सीरीज है. विंडोज क्या है? एक सीरीज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI के नाम से जाना जाता है. और ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया गया है. ठीक है, तो जब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज प्रेजेंट किया है, तो हम कंप्यूटर पे वर्क कैसे कर पाएंगे? अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल बेस्ड नहीं होगा तो हम वर्क कैसे कर पाएंगे? जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर बेस्ड यानी यूजर बेस्ड नहीं बनता है, यानी यूजर को ध्यान रख करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बनाया जाता है, तब तक वो काम नहीं करेगा. यानी यूजर को भी समझ में आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, उसकी क्या फैसिलिटीज है, उसकी क्या सेटिंग्स है. ये सारी चीज हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है. ओके, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया है. ठीक है, और ये पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है. ये ऐसा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे लिए तैयार की गई है. ओके, और इसे हमारे पीसीज के लिए, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार की गई है. ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका विंडोज. ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन द टॉपिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट? सभी कोई जानते होंगे, आप लोग सभी कोई मोबाइल यूज करते होंगे. सभी कोई मोबाइल यूज करते हैं. व्हाइल बी यूजिंग अ मोबाइल, डू यू नो हाउ मोबाइल वर्किंग? कैसे मोबाइल वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है हमारे टास्क को, मल्टीपल टास्किंग कैसे करता है, क्या आपको पता है? जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, मल्टीटास्किंग करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरीके से हमारा मोबाइल भी, जो हम लोग डेली आजकल यूज कर रहे हैं, उस पर मल्टीटास्किंग कर पा रहे हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी हमारे मोबाइल में ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसकी मदद से हम उसे
वर्क कर पाते हैं इजीली वे में। ओके, तो पहला यहां पे जानेंगे कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। ओके, मोबाइल ओएस बोला गया है, यानी जब तक हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हमारा मोबाइल एक सिंपली मशीन रहेगा। ठीक है, जब तक हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हमारा मोबाइल कोई काम नहीं कर पाएगा। ओके, इसीलिए इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार की गई है कि हमारे स्मार्टफोन्स सही तरीके से चल सके, टैबलेट्स और ऐसे पीडीएस मोबाइल्स, टैबलेट्स, अदर डिवाइसेस जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर इनबिल्ट करें, इंस्टॉल करें और अच्छे तरीके से वर्क कर पाए, इसीलिए इसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार की गई है। ओके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अच्छे से डोमिनेट होकर के अपने वर्क को इफिशियंट वे में कर पाए। अगर आपके मोबाइल सिस्टम में, आपके मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में या टैबलेट्स में या अदर डिवाइसेस में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कैसे वर्क कर पाएंगे? क्या आप मोबाइल फोन्स पे कॉलिंग कर पाएंगे या आप चैट कर पाएंगे या ईमेल भेज पाएंगे या अदर वर्क कर पाएंगे? कर पाएंगे? जब तक हमारे मोबाइल स्मार्टफोन्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला है आपको आपके मोबाइल स्मार्टफोन्स में। ओके, तो यहाँ पे वेरियस स्मार्टफोन्स जो यूज हो रहे हैं आजकल, कौन कौन से स्मार्टफोन्स यूज हो रहे हैं? ब्लैकबेरी हो गए, ठीक है, ब्लैकबेरी में रैम, एंड्रॉयड, गूगल, iOS, Apple, Symbian, Nokia और Windows Mobile। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज हम लोग हर एक मोबाइल स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रहा है, ब्लैकबेरी में आपको एक अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, दूसरा आपका Android, ये Google Corporation के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। Android ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल सभी Android फोन्स में देखने को मिलेंगे क्योंकि अब जितने भी लेटेस्ट मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होते हैं। लेकिन कुछ अदर ब्रांड मोबाइल्स में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे अभी हम मैंने बताया ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी में अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, और एप्पल के जितने भी मोबाइल होते हैं वो एप्पल कंपनी के द्वारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं। उसके बाद आपका आता है सिम्बियन, आपका जो नोकिया फोन्स होते हैं उसमें वो अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट करके, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर करके वो मार्केट में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट आपका विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है जो आप पीसीज में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ साथ आप अपने मोबाइल फोन्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम यहां पे देखेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुका है। आज जितने भी स्मार्टफोन्स है स्टूडेंट्स, हर एक स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइनेक्स पे बेस्ड, ये लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से हम अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं और ये डेवलप किया गया है एंड्रॉयड कॉर्पोरेशन के द्वारा। जो आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं ये लाइनेक्स बेस्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और ये ओपन सोर्स है, यानी ये फ्रीली तरीके से काम करने में मदद करती है आपके मोबाइल स्मार्टफोन्स में। ओके, और इसे अक्टूबर 2003 गूगल कॉर्पोरेशन ने परचेज कर करके तब जाकर के इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, तब से जाकर के आज हर एक स्मार्टफोन्स में, मोबाइल फोन्स में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ओके, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जगह को और भी पावरफुल बनाता है। कैसे? आप पावरफुल वेब ब्राउजर यूज करते हैं, आपको वेब ब्राउजर करनी होती है तो नेट सर्फिंग बहुत तेज होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, यानी आपके स्मार्टफोन्स में अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अपने मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप गेमिंग कंसोल कर सकते हैं और अपने पर्सनल कुछ
डेटा इंफॉर्मेशन को भी वर्क कर सकते हैं। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का फीचर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका सिम्बियंस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियंस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट? सिम्बियंस ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये स्पेशली स्मार्टफोन्स के लिए तैयार की गई है। क्या है? स्मार्टफोन्स के लिए तैयार की गई है और इसे डेवलप किया गया है सिम्बियन लिमिटेड सिम्बियन कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार की गई है और इसे करेंटली मेंटेन कर रहा है आपका एक्सेंचर। एक नाम है, एक कंपनी है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर आपको मोबाइल फोन्स यानी नोकिया के मोबाइल फोन्स में देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि नोकिया के पहले जितने भी स्मार्टफोन्स आते थे मार्केट में, अभी भी यूज हो रहे हैं नोकिया फोन्स, तो उसमें जितने भी आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिम्बियन का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, और इसे धीरे धीरे, ठीक है, बाद में इसे यूज किया गया आपके सैमसंग, मोटोरोला, सोनी, ये अदर मोबाइल में भी यूज होने लगे। सबसे पहला जो मोबाइल आपका नोकिया, इसमें ही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ही अदर कंपनी के मोबाइल पे इसे इस्तेमाल की गई है। एंड्रॉइड ओवरटुक इट एंड ऑफ द 2010, फिर इसको एंड्रॉइड ने ओवरटुक किया, मतलब एंड्रॉइड ने इसके ऊपर आ खड़ा हुआ। मतलब अभी कहा जाए तो एंड्रॉइड सबसे नंबर वन पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा। क्यों? पहले की जितने भी आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, चाहे वो सिम्बियन हो, iOS हो, विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन सबसे अभी ऊपर जो चल रहा है आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुका है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका iOS। क्या है? iOS। तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को और ये पूरी दुनिया में भी पॉपुलर है क्योंकि अभी अधिकतर देशों में एप्पल कंपनी के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल की जा रही है। एप्पल कंपनी अपनी एप्पल फोन्स, आईफोन्स डेवलप करते हैं और अपनी ही कंपनी के वो सॉफ्टवेयर्स अपने फोन्स में इनबिल्ट करते हैं, तभी जाकर के आज सक्सेसफुली ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। आज जितने भी आईफोन्स हैं एप्पल के, एप्पल कंपनी के द्वारा, आप देखेंगे कि उसमें उन्हीं कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं। ओके, सो आप देखेंगे मार्केट में ऐसे बहुत सारे आईफोन, आईपैड, आईपैड, आईटच, ये जितने भी डिवाइसेस हैं इनमें आपको iOS ही देखने के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल कॉर्पोरेशन अपना ही सॉफ्टवेयर अपने इन डिवाइसेस में इनबिल्ट करता है। iOS devices create exclusively for its hardware, यानी जो भी आपका iOS होता है, जो भी iOS होता है Apple Corporation के द्वारा, वो स्पेशली हार्डवेयर को देख करके तैयार की जाती है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना होता है वो स्पेशली हार्डवेयर पर डिपेंड होता है, यानी आपके मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, वो जो हार्डवेयर होते हैं प्रेजेंट, उसी के बेसिस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार की जाती है। ओके, तो जैसे ही आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में यानी एप्पल आईफोन्स, आईपैड, आईटच, इन सभी डिवाइसेस में होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस, इफिशियंसी बहुत ही अलग होती है। आप इसमें बेटर तरीके से गेम कंसोलिंग कर सकते हैं, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मदद से कर सकते हैं जो आपको एप्पल के आईफोन्स, आईपैड, आईटच डिवाइसेस में देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं स्टूडेंट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं ना? हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसीज में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम पीसीज में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं विंडो का, अब वो हमारे फोन्स में भी अवेलेबल हो गया है। ओके, क्योंकि जो हम पीसीज में हर बैठे काम करते हैं और वो हम अपने मोबाइल फोन्स,
स्मार्टफोन्स में भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और उसे कहीं भी कैरी कर करके अपने आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम आप अपने विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कर सकते हैं, जो आप अपने पीसीज पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करते हैं, ठीक है। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, किसके लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और इसे बेस्ड तैयार की गई है किस बेसिस के लिए, विंडोज सीई कर्नल, यानी ये मोबाइल बेस्ड यानी विंडोज सीई कर्नल बेस्ड बनाया गया है आपके मोबाइल फोन्स के लिए, आपके स्मार्टफोन्स के लिए ओनली, ठीक है। और ये हूबहू आपके लुक सिंपल, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसीज के लिए तैयार कीजिए, सेम लुक आपका, सेम डिजाइन आपके इस मोबाइल विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप अपने पर्सनल पीसीज में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस ग्राफिक्स सेम एज आप अपने मोबाइल पे भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का देखेंगे, ओके। सो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स डायमेंशन देखने को मिलेंगे, आप इसमें ईमेलिंग करते हैं विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, पर्पस डिफरेंट टाइप्स के पर्पस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन करना हो, वर्कशीट पे काम करना हो, एक्सेल पे, और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो आप मोबाइल विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप अपने फोन में ही रह करके कर सकते हैं, ओके, कर करके आप अपना कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप ऐसे कुछ स्टूडेंट विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं जो आप देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल है मोबाइल विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, नोकिया लुमिया 9020, उसके बाद सैमसंग का, उसके बाद विंडोज फोन जो आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तीन नए वर्जन में देखा गया है, ठीक है, तीन नए वर्जन में आपको बांटा गया है। ये हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, विंडोज का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल बेस्ड वो तीन वर्जन में बांटा गया है, और स्पेशली हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए, स्पेशली हार्डवेयर डिवाइसेस, ओके, ठीक है स्टूडेंट। स्मार्टफोन विद टचेस आर सपोर्टेड विद विंडो मोबाइल प्रोफेशनल वर्जन, जो भी स्मार्टफोन्स होते हैं टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें आपको विंडोज मोबाइल प्रोफेशनल वर्जन को डाला गया है, क्या डाला गया है, विंडोज मोबाइल प्रोफेशनल वर्जन को डाला गया है, जो आपका स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाला है, ठीक है, स्मार्टफोन्स हैं ऐसे स्मार्टफोन्स में विंडोज मोबाइल प्रोफेशनल वर्जन को डाला गया है, विंडोज का ये वर्जन है, ठीक है। और मोबाइल फोन्स विदाउट टच स्क्रीन, जो मोबाइल फोन्स बिना टच के काम करते हैं उसमें आपको विंडो मोबाइल स्टैंडर्ड का वर्जन रखा गया है। पहला जो नंबर था आपका विंडोज जो टच स्क्रीन पे काम करता है, ऐसे मोबाइल में हम कौन सा वर्जन देखे थे, विंडोज मोबाइल प्रोफेशनल, ओके। और दूसरा जो बिना टच का मोबाइल यूज होता है उसमें कौन सा वर्जन देखे है, विंडो मोबाइल स्टैंडर्ड, ये वर्जन हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। और तीसरा वर्जन है मोबाइल विंडो मोबाइल iOS, विंडो मोबाइल iOS, ओके। तो इस मोबाइल में हम लोगों ने देखा है विंडो 10 मोबाइल का वर्जन देखा है, जो स्पेशली मोबाइल फोन्स और टैबलेट पे रन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे वर्जन देखे हैं, अपने तीन वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है बेसिस ऑन द मोबाइल फोन्स, यानी वो मोबाइल फोन्स को ध्यान रखकर ऐसे मोबाइल फोन्स को, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार की गई है, ओके स्टूडेंट। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ।